मंडी के बस स्टैंड में मंगलवार शाम 7 बजे के करीब एक हादसा पेश आ गया। HRTC की मंडी डिपो की इलेक्ट्रिक बस हादसे का शिकार हो गई। सवारियों से भरी बस मंडी से मराठू रूट पर जा रही थी। बस अभी काउंटर से चली ही थी कि बस ने एकदम से स्पीड पकड़ ली। चालक ने ब्रेक भी लगाई लेकिन गाड़ी नियंत्रण में नहीं आई। फिर बस चालक ने बस को बस स्टैंड के निकासी द्वार पर बने शौचालय की सीढ़ियों पर चढ़ाया, तब जाकर बस रुकी। हम तो बस का वेट कर रहे थे, यहाँ रुके थे, घर जा रहे थे। तो इतने में जैसे 7 बजे के करीब जैसे इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और एकदम इसने रेस पकड़ ली। इन्होंने ब्रेक भी मारी, बड़े जोर से ब्रेक मारी है, चारों टायर देखो और रगड़े हुए, बड़े जोर से ब्रेक मारी इन्होंने, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। लगी वैसे किसी को नहीं, चोट किसी को लगी। मराठू रूट पर जा रहे थे मंडी से मराठू। बसेस के बारे में इतना क्या बता सकते हैं, एकदम मूव हो गए जैसे फायर होता है ना। और फिर देखो ड्राइवर के पास ब्रेक होती है, उन्होंने ब्रेक मारी जोर से, चारों टायर के उधर निशान है, चारों जोर से ब्रेक मारी हुई, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी, तो क्या कर सकते हैं। वहीं HRTC मंडी डिपो के मुख्य निरीक्षक पवन गुलेरिया ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना बीते कल शाम घटित हुई है, जिसमें किसी को चोट नहीं पहुंची है। किस वजह से यह हादसा हुआ इसकी जानकारी अभी नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बस का जो घटना हुई रात को, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो भी इलेक्ट्रिक बस है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसका क्या खराबी, क्या कारण, क्या किस वजह से ये हादसा हुआ। बहुत ज़्यादा किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे हमारी काउंटर पे बस खड़ी थी, उसके साथ टकराने के बाद हमारी गाड़ी जो है टॉयलेट के सामने जो पौड़ियाँ हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, जिसकी वजह से ज़्यादा माल नुकसान होने का खतरा जो था टल गया और इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।